नहीं भैया देखो ऐसा है, उस लड़के को पकड़ना मत, उसकी कार्रवाई मत करना, उस लड़के को पकड़ना मत, कार्रवाई मत करना। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बीते दिन युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को बलिया जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक अचानक अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। माहौल को देखते हुए पुलिस ने युवक को पकड़ लिया, लेकिन इसी बीच राजनाथ सिंह ने मंच से ही युवक को छोड़ने की बात कही और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। भैया देखो ऐसा है, उस लड़के को पकड़ना मत, उसकी कार्रवाई मत करना, उस लड़के को पकड़ना मत, कार्रवाई मत करना। बता दें यूपी में 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है, अब 4 चरणों में मतदान बाकी है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने बलिया के सिकंदरपुर पहुंचे थे और इसी दौरान ये वाक्य हुआ। यही नहीं, रक्षा मंत्री जब सभा को संबोधित कर रहे थे तभी युवक ने सेना भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री से सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब देते हुए कि चिंता मत करो, होगी होगी, आपकी चिंता हमारी भी है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते थोड़ी मुश्किलें आई, जल्द ही भर्ती होगी। सेना भर्ती चालू हो, अच्छा अच्छा, होगी 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 होगी, हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत, अरे भाई होगी, सुन जाओ। वहीं 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री का गोंडा में भी विरोध हुआ था। केंद्रीय मंत्री गोंडा जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कहने लगे सेना भर्ती चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो। बहरहाल मामले में राजनाथ सिंह के कहने पर नारे लगाने वाले युवक को छोड़ दिया गया है। सेना भर्ती चालू हो, अच्छा अच्छा, होगी 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 होगी, हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत, अरे भाई होगी, सुन जाओ।